तो चलिए नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं RUNGTA इंस्टीट्यूट की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी इस इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर डिटेल से आपको गाइड करने वाला हूँ फीस स्ट्रक्चर के बारे में, और एडमिशन लेना चाहते हैं कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरीके की फीस रहने वाली है किस कोर्स की यहाँ पर। तो सबसे पहले जिस कोर्स की बात हम बात करने वाले हैं, बीटेक। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम पे बीटेक 99% बीटेक में बच्चा जा रहा है, तो बच्चे को पता होनी चाहिए कि फीस क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे फीस डिटेल की। तो यहाँ पर सेमेस्टर वाइज आपकी जो फीस रहने वाली है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेमेस्टर फीस। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 37,550 रुपये सेमेस्टर फीस रहने वाली है। उसी के साथ साथ यहाँ पर 38,782 रुपये यहाँ पर रायपुर RCET में पड़ जाएगा। वहीं आपको बता दूँ, अगर आप लोग यहाँ पर वन टाइम फीस पे करते हैं, तो अभी तक इन्होंने कुछ नज़र नहीं दिया है बात कि आपकी जो टोटल फीस रहती है वो लगभग 40,000 के आसपास हो जाती है। जी हाँ, मैं बता दूँ। और वहीं हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात करें, तो यहाँ पर आप डिप्लोमा करते हैं तो यहाँ पर 20,775 रुपये। वहीं एक्स्ट्रा जो चार्ज रहेगा टोटल मेरे हिसाब से लगा लिया जाए तो 25,000 रुपये के आसपास आपको यहाँ पर सेमेस्टर फीस पड़ने वाली है। वहीं हम बात करें एमटेक की, अगर आप लोग एमटेक करते हैं तो यहाँ पर लगभग 35,000 से 40,000 रुपये के बीच में रहने वाला है आपका एमटेक, यानी कि सेमेस्टर वाइज अगर आप लोग यहाँ पर कोर्स करते हैं तो। वहीं मैं बी फार्मेसी की बात करें तो यहाँ पर आपका 35,950 रुपये, 37,400 रुपये। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 35,980 यानी कि लगभग 40,000 के बीच में रहने वाला है आपका। वहीं एम फार्मेसी की बात करें तो यहाँ पर आपका 53,400 रुपये के बीच में, यानी कि लगभग 55,000 के बीच में रहने वाला है। वहीं हम डी की बात करें, डी फार्मेसी की, तो यहाँ पर ये कोर्स में आपको लगभग, आपको बता दूँ, जो यहाँ पर आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर रहने वाली है वो लगभग 60,000 के आसपास रहने वाली है। MBA एंड MCA की जो फीस रहने वाली है वो यहाँ पर 40,000 के अबव रहने वाली है, यानी कि 40,000 के आसपास रहने वाली है। और वहीं हायर एजुकेशन के अनुसार आपको यहाँ पर बता दूँ, काफ़ी सारे कोर्स यहाँ पर सेमेस्टर वाइज फीस नज़र आ रही होगी, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की फ़ीस आपके सेमेस्टर वाइज भी रहने वाली है। तो अगर आप लोगों अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर लीजिएगा। जितने भी कोर्स यहाँ पर कराए जाते हैं उन सभी का यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है, प्रॉब्लम रहती है, आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिल जाएगा, जिसके अनुसार आपको जो भी डाउट है, प्रॉब्लम है, अगर आप हमारे कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, आने वाले टाइम में आपको अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, फीस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, कोई भी एनी डाउट रहता है, तो हमारा कंसल्टेंट आपको सॉल्व करके देगा। उसी के साथ साथ अगर आप लोग गूगल फॉर्म को फिलअप करते हैं तो 24 घंटे के अंदर कंसल्टेंट हमारा खुद कॉल करेगा और खुद काउंसलिंग करेगा आपको कि आपके लिए क्यों बेस्ट है ये इंस्टीट्यूट। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी।